जब दिल चाहे कुछ स्वादिष्ट खाने का तो सब्सक्राइब करें चैनल स्वाद दिल्ली का, और मेरी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो सो प्रेस द बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक लच्छेदार रबड़ी। व्यूअर्स, पुरानी दिल्ली स्पेशल, चांदनी चौक स्पेशल, हम आज आपको रबड़ी बनाने की रेसिपी देंगे जो कि आपको कहीं पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो रबड़ी बना रहे हैं बिल्कुल हमारी पुरानी दिल्ली स्टाइल की रबड़ी बनकर तैयार होगी। व्यूअर्स, ये हमने सबसे पहले इसके अंदर हमने 1 लीटर मिल्क लिया है, यानी कि दूध, फुल फैट मिल्क है ये, और इसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप बादाम डालें, काजू, पिस्ता डालें, या कोई वर्क डालें, या कोई ज़ाफ़रान डालें। ये सिंपल वो रबड़ी हमारी बनकर तैयार होगी, जैसे हमारी मार्केट में मिलती है पुरानी दिल्ली की। आप कहीं भी जाएंगे चांदनी चौक में, दिल्ली जैसी रबड़ी कहीं भी नहीं मिलती। व्यूअर्स, तो हम आपको बिल्कुल वैसे ही रबड़ी बनाने की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, जब तक हमारा दूध बॉयल आता है हम इसे मीडियम टू हाई पर रखेंगे। बस हम दो चीज़ों से ही रबड़ी बनाएंगे। व्यूअर्स, जब हमें दूध बॉयल करना है तो हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और फिर हम इसे लो टू मीडियम कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हम इसे खुले बर्तन में बना रहे हैं ताकि हमारा जो दूध है वो जल्द से जल्द ड्राई हो। व्यूअर्स, हमने ये नॉन स्टिक बर्तन लिया है, आप चाहे तो कोई भी पतीला कुछ भी ले सकते हैं। अभी देखिए, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ताकि नीचे से हमने फिर भी चम्मच चला दिया है, स्पून को हिला दिया है ताकि दूध लगे नहीं। दूध अक्सर नॉनस्टिक बर्तन में भी चिपक जाता है, लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रबड़ी जितनी पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो बस इसको हमें हल्का हल्का 1 से 2 मिनट के लिए चलाते रहना है, और इसे बॉयल करने के लिए हमें लो टू मीडियम पर कर देना है। जैसे जैसे हमारे दूध में बॉयल आएगा तो हम इसकी जो मलाई होती है, देखिए साइड में इसे स्टिक कर देंगे, जिस तरह कढ़ाई वाले करते हैं। ये देखिए, इस तरह स्पून से आप इसे साइड में इस तरह चिपकाते रहिए, बस ऐसे ही करना है। थोड़ी थोड़ी देर पर आप इसे करते रहिए जब तक हमारा दूध पककर आधा ना रह जाए। जो रबड़ी होती है बहुत ही इजी होती है, बस इसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है बनाने के लिए। और जो हलवाई होते हैं, दूध वाले होते हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से रबड़ी बनाते हैं। हमारी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार होगी। देखिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारे दूध में बॉयल आता है और हम इसको स्पून से इस तरीके से साइड कर देते हैं, और कितना थिक हो गया है हमारा दूध आप देख सकते हैं। ईद पर आप इसे बनाइए, बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनती है। सारी मिठाइयाँ तो सब खाते ही रहते हैं, रबड़ी एक स्पेशल डिश हो जाएगी। शाही शीरकुरमा की भी रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ईद स्पेशल हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, उसमें सारी ईद स्पेशल रेसिपीज है। आप उसमें से जो आपको पसंद हो आप उसमें से देख कर बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने साइडों में स्टिक कर दी है मलाई को, और ये हमारा दूध खूब पक चुका है। ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, वाइट से थोड़ा ऑफ वाइट हो गया है। वैसे तो व्यूअर्स, जो हलवाई होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं डालते, लेकिन हम इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल रहे हैं, तो कि दूध की जो थोड़ी सी हमक होती है वो इसमें से निकल जाए और रबड़ी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये देखिए, हमने इसमें केवड़ा वाटर डाला है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए, दूध कितना कम हो गया पक पक के। इसमें हमने करीब 1/2 कप शुगर ली है और थोड़ा टेस्ट करके डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। वैसे रबड़ी जो होती है थोड़ी मीठी, जिससे अगर आप मीठा जितना दूध पीते हैं तो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रखिए, क्योंकि रबड़ी थोड़ी मीठी होती है। और बस ये देखिए, इसको हमने मलाई को सब जगह से स्टिक कर दिया है, कितनी अच्छी हो गई। अब इसे थिक करने के लिए जो हलवाई होते हैं वो अरारोट पाउडर डालते हैं, यानी कि कॉर्नफ्लावर। अरारोट और कॉर्नफ्लावर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, यानी कि थिक करने की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि थिक कर देता है हमारी कोई सी भी डिश होती है। कोई ग्रेवी को आपको थिक करना है तो आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है, और स्पून से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब ना हो, कोई गुठली ना बने। और ये देखिए, देखते देखते दूध जो है कितना गाढ़ा हो गया है, और जो लास्ट की जो मलाई है इसे अच्छे से हमें पकाना है। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पक पक कर कितनी थिक हो गई है, कितनी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल ये हलवाई जैसी दूध, जो दूध वाले रबड़ी बनाते हैं वैसे ही बनकर तैयार हो रही है। कितनी इसकी जो मलाई है जो साइडों में हमने लगाई है वो कितनी गाढ़ी हो गई है। व्यूअर्स, अब बस इसको स्क्रैप करने का टाइम आ गया है। देखिए, अब इसको हम स्क्रैप कर लेंगे, जो भी हमने मलाई को यहाँ स्टिक किया था, चिपकाया था, सब हम इसे स्क्रैप कर लेंगे स्पून से।
और बस इसको हमें मिक्स करना है और लास्ट स्टेज पर हम हमें इसे 2-3 मिनट और पकाना है ताकि इसके लच्छे तैयार हो जाएं। ये देखिए नीचे से भी जल रही है थोड़ी, जितना ही जल कर बनती है दूध जितना पकता है, बहुत ही मज़ेदार रबड़ी बनती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि ये कैसे बनी है। ये देखिए हमारी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार है बिल्कुल पुरानी दिल्ली स्टाइल में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर, ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए मेहमान हैं प्लीज़ सब्सक्राइब स्वाद दिल्ली का, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।